हाँ जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। इलस्ट्रेशन 3 में अलाउंसेस, बिल्कुल। अभी पहले इलस्ट्रेशन 10 ही कर लेते हैं, उसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे। वॉइस क्लियर है? फटाफट बताइए। वॉइस क्लियर है तो पहले इलस्ट्रेशन 10 का ही उठा लेते हैं, जो कि था अलाउंसेस वाला। क्या इलस्ट्रेशन 10 मैंने बोर्ड पे कराया था? नहीं कराया, तो चलिए करा देते हैं, पूरा ही कर लेते हैं इलस्ट्रेशन 10, है ना। इलस्ट्रेशन नंबर 10, 10 ही खत्म। ये रहा 10। आज हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। ओ, इसको यहां गलत ले लिया हमने। लास्ट यहीं पे एक बार क्वेश्चन देखिए, पेटी कैश बैलेंस 10 का, यही है ना लास्ट? सर क्लियर है? इनवॉइस, इनवॉइस ठीक है। चलिए, सवाल नंबर 10 है। इसके अंदर एक पार्ट आता है, उस पार्ट को हम समझेंगे, जो कि था हमारा अलाउंसेस, और अलाउंसेस को क्या करना है उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे हम। चलिए देखते हैं। तो हमारा पार्ट आता है अलाउंसेस। सर अलाउंसेस होता क्या है? सबसे पहले मैं बोलूं तो काइंड ऑफ डिस्काउंट ही होता है, डिस्काउंट और अलाउंसेस सेम थिंग है। बस डिस्काउंट अलाउंसेस लगभग लगभग सेम है। अब इसमें सवाल ये होता है कि जैसे मान लो मेरा ये एक मैंने स्टॉक अकाउंट बनाया, समझना बात को आप। अब स्टॉक अकाउंट में मैंने सेल्स एक व्यक्ति को किया, यहां पे मैंने लिखा ओपनिंग स्टॉक, मान लेते हैं 50,000 का। मैंने लिखा परचेज 1 लाख का। तो सर मेरे पास कितने रुपए का सामान पड़ा हुआ है बताओ? टोटल 1.5 लाख का है, ओपनिंग में 50 और 1 का हमने करा, तो टोटल कितने का हो गया हमारे पास? 1.5 लाख। अगर हमारे पास टोटल 1.5 लाख रुपए का है और मैं इधर सेल्स लिखना चाहता हूं, बाय सेल्स, बाय क्या लिखना चाहता हूं मैं? सेल्स। मैंने कहा कि मैं इसके ऊपर ना 20% प्रॉफिट मार्जिन रख के बेचूंगा, तो इसका मतलब मेरा जो सेल्स होना चाहिए 1.5 लाख पे 20% कितना होगा हमारा? यानी 1.5 लाख पे मुझे 20% मार्जिन रखना होगा, दैट इज आपका 30,000, और ये हमारा कितना होना चाहिए? 1,80,000। कितना होगा? 1,80,000। ये सिनेरियो होना चाहिए। लेकिन एक जो कस्टमर था ना, उसको मैंने बोला था कि 1,80,000 का होगा, लेकिन इसने जिद बहस करके मेरे से इसका प्राइस क्या करवा लिया? कम। कितना प्राइस करवा लिया इसने? मैंने फिर बहुत कैलकुलेशन किया, तो कई बार दुकानदार पता है इतना मजबूर हो जाते हैं, इस लेवल पे आ जाते हैं कि अपनी जेब से दे के बोलते हैं चल ले जाया तू, और उसके पीछे कई रीजंस हैं, पुराना स्टॉक निकालना हो तो कई बार हम लॉस में भी बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं कस्टमर को, कंपटीशन इतना हाई होता है। तो हमने बोला भैया 1,80,000 से तो कम का नहीं पड़ेगा, लेकिन जो ये कस्टमर था बहुत जिद किया, बोला 10,000 और कम कर लो प्लीज, 10,000 कम कर लो। मैंने कहा ठीक है यार, तू 10,000 और कम कर ले, बात खत्म कर। तेरे को कितने का दे दिया मैंने? 1,70,000 का दे दिया। यानी जो ये 10,000 है, दैट इज कॉल्ड अलाउंसेस।
इसको क्या कॉल करेंगे हम, अलाउंसेस। ये जो 10,000 है क्या अलाउंसेस। अब मैं यहां पे 180 प्राइस नहीं लिख रहा, अब मैं जो यहां पे प्राइस लिख रहा हूं ना वो लिख रहा हूं कितना, कहीं ना कहीं ये हमारा एक्यूरेट तो दिखा नहीं रहा, कहीं ना कहीं ये हमारा एक्यूरेट तो नहीं दिखा रहा है, क्योंकि हमें तो 180 प्राइस कोट करना चाहिए था, सेलिंग प्राइस कितना था हमारा 180, लेकिन मैंने कितना दिखा है 170। तो हम एक काम और करेंगे, इधर अलाउंसेस के नाम से दिखा देंगे 10,000 और, इधर अलाउंसेस के नाम से दिखा देंगे हम 10,000 और। समझ में आ रही है बात। तो क्या हमारा क्रेडिट साइड जो 180 लिखना था वो बराबर पे आ गया। तो यानी जब कभी भी अलाउंसेस होगा तो एक तो स्टॉक अकाउंट में बाई साइड में आ जाएगा, और ये क्या है आपका नुकसान है एक तरीके से, ये क्या है आपका पूरा नुकसान ही तो हो गया, खर्चा है नुकसान है। तो इसको हम ले जाएंगे कहां पे सर, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में, और ये फुल जाएगा, इसमें कोई लोडिंग वेडिंग का चक्कर नहीं रहेगा, ये नॉर्मल लॉस के तरीके से ट्रीट करेंगे। कहां चले जाएगा दूसरा हमारा, ब्रांच एडजस्टमेंट जो कि करते थे ना, इसका लोडिंग इस साइड और इसका लोडिंग इस साइड। और डेटर अकाउंट के अंदर भी तो अलाउंसेस सर डिस्काउंट है, तो डेटर में भी दिखाओ। तो डेटर में अगर मैं यहां पे 180 दिखाऊंगा तो मैं इधर अलाउंसेस 10,000 दिखाऊंगा मैं, अगर डेटर में मैं 180 इधर दिखा रहा हूं तो अलाउंसेस मैं 10,000 दिखाऊंगा, अगर मैं इधर ही 170 कर दूं तो ये मैं नहीं दिखाऊंगा, सिंपल सी बात है। तो अगर कहता है ना ऑलरेडी एडजस्ट इन सेलिंग प्राइस, मतलब जो डेटर में यहां आ रहा होगा पहले से माइनस करके होगा। एडजस्ट का मतलब क्या है, मैं बोलूंगा कि इस 170,000 में पहले से ही अलाउंसेस को एडजस्ट कर दिया गया है, इसका मतलब ऑलरेडी एडजस्ट का मतलब होता है कि पहले से क्या कर दिया गया है, माइनस। समझ रहे हो बात। तो इसका मतलब सर जब कभी भी अलाउंसेस आएगा तो दो जगह एंट्री चला जाएगा, अगर ऑलरेडी एडजस्टेड है तो। सर दो जगह कहां जाएगा, तो एक तो स्टॉक अकाउंट के अंदर चला जाएगा हमारा, दूसरा इसका सारा लोडिंग निकल जाएगा हमारा कहां पे, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट के अंदर। डेटर वगैरह में कहीं भी इसका कोई रोल नहीं प्ले करने वाला। तो फटाफट से इस सवाल को हम कर ही लेते हैं पूरा, तो हमें समझ में भी आ जाएगा, थोड़ा बहुत आइडिया लग ही गया। ये कौन सा सिस्टम है ये भी देख लेते हैं, कौन सा सिस्टम है ये, ब्रांच एडजस्टमेंट बोला तो स्टॉक डेटर सिस्टम है हमारा, है ना। तो क्या बोला इसने, स्टॉक डेटर सिस्टम है। स्टॉक डेटर सिस्टम एक बन गया स्टॉक अकाउंट। एक बन गया स्टॉक अकाउंट, एक बन गया स्टॉक अकाउंट। इसके बाद एक बनेगा ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, एक बनाएंगे ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। और एक इस साइड बना लेंगे P&L और डेटर, वट एवर नेम कॉल, ठीक है ना, बना लेंगे हम। चलिए देखिए, कहता है आगरा हेड ऑफिस सप्लाई गुड्स इट्स ब्रांच अलवर एट अ इनवॉइस प्राइस कॉस्ट प्लस 50%। अगर कॉस्ट प्लस 50% है तो सेल्स पे होगा 33.33%, ठीक है। ऑल कैश रिसीव बाय द ब्रांच रेमिटेड टू आगरा, ब्रांच एक्सपेंस पेड बाय हेड ऑफिस, सब कुछ ठीक चल रहा है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर रिलेटेड, जो ईयर था हमारा, प्रिपेयर ब्रांच डेटर अकाउंट बनाना है, ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाना है, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है, और बुक्स ऑफ हेड ऑफिस फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट, यानी वो भी बनाना है, नेट प्रॉफिट भी। आगे कहता है क्वेश्चन में, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है एट इनवॉइस प्राइस 66,000, यहां लिखा हमने टू बैलेंस BD कितने हैं सर, कितना है हमारा 66। इसके बाद ब्रांच का डेटर का ओपनिंग बैलेंस है, तो सर एक ब्रांच डेटर भी बना लिया जाए,
बिल्कुल, एक ब्रांच डेटर भी बना लेते हैं हम। एक ब्रांच डेटर भी बना लेंगे, इसको हटा लेते हैं। चलिए इसे ले जाते हैं उठा के, और ये बन गया ब्रांच डेटर। ठीक है, ब्रांच डेटर। लिख दिया यहां ब्रांच डेटर। पी एंड एल लास्ट में बना लेंगे हम। तो ब्रांच डेटर में क्या कहता है, कितने का है सर? 22,000। तो यहां आ जाएगा टू बैलेंस, टू बैलेंस बीडी कितने सर? 22,000। इसके बाद पेटी कैश एक्सपेंस का ओपनिंग बैलेंस है, तो पेटी कैश एक्सपेंस का हम यहां पे ओपनिंग बैलेंस तो नहीं दिखाते। कौन से वाले में ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस आता है सारे एसेट्स का? डेटर सिस्टम में। इतने क्वेश्चन करने के बाद तो आइडिया लग ही गया होगा। तो इसमें से क्या निकालेंगे? कंज्यूम। तो हम लास्ट में माइनस प्लस करके कंज्यूम निकाल लेंगे, स्टार लगा दिया। इसके बाद गुड्स रिसीव फ्रॉम एच ओ एट इनवॉइस प्राइस, गुड्स रिसीव आएगा तो टू गुड्स सेंट कितने का सर? टू गुड्स सेंट आ गया हमारा, गुड्स सेंट 2,04,000, 2,04,000। इसके बाद गुड्स रिसीव के बाद गुड्स रिटर्न टू एच ओ, रिटर्न तो रिटर्न इधर आ जाएगा, बाय रिटर्न, बाय रिटर्न। रिटर्न कितने का होगा सर? 6,000 का रिटर्न, 6,000 का। क्रेडिट सेल्स 87,000 रुपीज, सेल्स रिटर्न 3,000 रुपीज, कैश सेल्स ये है तो हम नेट लेंगे, हम नेट ले लेंगे। क्रेडिट सेल्स 87 है तो सेल्स आ जाएगा, क्रेडिट कितने दिखा रहा है ये? 87 माइनस 3,000 कर दो यहीं पे। 87 में से कितना माइनस कर दोगे आप? 3,000 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 84,000। इसके बाद कैश में कितने का बिका है? कैश में बिका है हमारा 1,06,000, 1,06,000। ठीक है ना, डायरेक्ट लिख लिया हमने। सेल्स रिटर्न यहां जरूर जाएगा, बाय सेल्स रिटर्न कितना जाएगा यहाँ? सेल्स रिटर्न 3,000। और यहां पे जो आएगा क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स कितना आएगा यहाँ पे? यहां पे क्रेडिट सेल्स आएगा 87। अब देखिए, आप ध्यान से देखोगे अलाउंसेस वाला, अगर मैं इधर यही लिखूं 84, तो क्या मैं इधर सेल्स रिटर्न लिखूंगा? नहीं। तो सीधी सी बात है, बस समझने का है। अलाउंसेस टू कस्टमर ऑन द सेलिंग प्राइस ऑलरेडी एडजस्टेड कितने का? 20, 2,000 है ना, 2,000। तो भैया अलाउंसेस एडजस्टेड है, तो अब इधर लिख देंगे बाय अलाउंसेस कितने रुपए? 2,000। इसमें नहीं जाएगा क्योंकि ऑलरेडी इस प्राइस में क्या है हमारा? एडजस्टेड है। अगर इस प्राइस में एडजस्टेड नहीं होता तो अलाउंसेस मुझे इधर भी दिखाना पड़ता। एक सवाल आएगा कहीं ना कहीं जिसके अंदर एडजस्टेड नहीं लिखा होगा, सिर्फ अलाउंसेस लिखा होगा, वो एग्जैक्ट मुझे नंबर नहीं पता चल रहा कौन सा है, बाकी आप करेंगे तो मिल जाएगा। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, डेटर से कैश रिसीव हुआ 93,000, तो बाय साइड में आ जाएगा बाय कैश कितने का? 93,000। ठीक है सर। एक्सपेंस कैश पेड बाय हेड ऑफिस, रेंट वेंट सारी चीजें को पेड किया है, तो सर इसके अंदर तो कोई रोल ही नहीं होता ना, तो सारा पी एंड एल में आ जाता है। तो कोई बात नहीं, मैं यहां तक ये रख लेता हूँ थोड़ा एडजस्टमेंट मार के, और बाकी पी एंड एल में डाल देता हूँ। क्या क्या है हमारा? रेंट है, कितने का रेंट है? 2,400, सैलरी 24,000, और पेटी एक्सपेंस 2,000, पेटी एक्सपेंस 2,000। कहता है ये वो खर्चे हैं जो कि हेड ऑफिस ने दिए हैं, तो मैं इसके लिए थोड़ा स्पेस बना लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा स्पेस बना लेते हैं। थोड़ा स्पेस बना लेते हैं। चलिए, अब क्या कहता है? रेंट कितने का था हमारा? 2,400। सर
सर रेंट कितने का है? 2400, यहां लिख दिया 2400। रेंट के बाद क्या था हमारा? सैलरी, यहां आ जाएगा सैलरी। सैलरी कितने का है? 24,000 लिख लीजिए। ये पीएनएल का पार्ट है। इसके बाद हमारा क्या है सर? पेटी कैश। पेटी कैश को हम अलग से कैलकुलेशन में लेके चलेंगे, उसकी चिंता मत करिए। इसके बाद हम आ जाते हैं और कहां पे सर, और देखते हैं क्या है। कहता है स्टॉक है हमारे पास, स्टॉक विद ब्रांच यानी क्लोजिंग स्टॉक, तो बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग। क्लोजिंग कितने का है? क्लोजिंग स्टॉक है हमारा 69। क्लोजिंग के बाद पेटी कैश बैलेंस फिर से दे रखा है क्लोजिंग, ठीक है। हम पेटी कैश पे सब पे स्टार लगा लेते हैं, इसको एक साथ कर लेंगे। यहां तक क्लियर है सारा पॉइंट? सर यहां से क्या निकलेगा? यहां से डेटर निकल जाएगा क्या? बैलेंस। क्या इसका कोई इस्तेमाल होगा? जी नहीं होगा इस्तेमाल। तो फटाफट से टोटलिंग वगैरह करके निकाल लेते हैं। कितने? 22,000, 87,000, 87,000, 109,000, 109,000, माइनस तिरानवे, -3,000, सीडी आ गया 13,000, 13,000 सीडी आ गया, ठीक है। अब यहाँ की लोडिंग वगैरह निकालेंगे और यहाँ से कुछ ना कुछ निकल सकता है, शॉर्टेज सरप्लस वगैरह कुछ भी। तो यहाँ पे देखा जाए तो 84,000 प्लस 106,000, ये आ गया 190,000 प्लस 6,000, 2,000, 69, ये आ गया 267, 267। यहां देखते हैं क्या बनता है, प्लस माइनस 66 और माइनस 204,000। अच्छा हाँ, डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट हमने 2400 का ना, यहां भी 2400 और यहां भी रह गया ना। किसको डिस्काउंट दिया हमने? डिस्काउंट अलाउड तो यहां भी आएगा ना डिस्काउंट, तो हाँ स्टॉक में नहीं आएगा, ठीक कह रहे हो, ठीक है। तो इसका आंसर ना इस साइड ही आ रहा है, तो शॉर्टेज आ रहा है, तो बाय साइड में लिख देता हूं शॉर्टेज 3,000, ठीक है। टोटल मैं चेंज कर देता हूं, टोटल चेंज कर देता हूँ 66,000 प्लस 204,000, 270। चेक करिए आप, इसको चेक करते जाइएगा। अब लोडिंग की बात करते हैं, इधर लोडिंग निकालेंगे तो सबसे पहले रिटर्न पे लोडिंग आएगा, टू लोडिंग। किस पे? रिटर्न पे। सर कितने परसेंट था ये? अगर 50 यहाँ पे है तो 33 होगा, यानी 1/3, तो 2,000 लोडिंग रिटर्न पे। रिटर्न के बाद देखा जाए तो अलाउंसेस पूरा आ जाएगा हमारा, है ना। कितने आएंगे अलाउंसेस पूरे? 2,000 शॉर्टेज का ये और बाकी हिस्सा, क्योंकि इसे ट्रीट क्या करना है? एबनॉर्मल लॉस। तो शॉर्टेज 1,000 और फिर क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर 69। बाकी मैं शॉर्टेज को यहां लिख देता हूं 2,000, ठीक है, एबनॉर्मल लॉस। अब आ जाते हैं हम इस पे क्लोजिंग पे, 69 डिवाइडेड बाय 3, 23,000। तो 23,000 आएगा, शॉर्टेज के बाद आ जाएगा हमारा किस पे? क्लोजिंग स्टॉक, शॉर्ट में लिख देते हैं क्लोजिंग स्टॉक पे 23,000। थोड़ा एडजस्ट कर लिया। बाय साइड में आएगा लोडिंग, किस किस पे आएगा? ओपनिंग पे 33,000, 66,000 डिवाइडेड बाय 3, 22,000। ओपनिंग पे कितना आने वाला है? और गुड सेंट पे 268,000, और तो कुछ है नहीं। और सेल्स रिटर्न यहां भी आना था ना, सेल्स रिटर्न था क्या हमारा? हाँ,
अच्छा हाँ यहाँ पे तो नेट में ले रखा है, ठीक है तो नहीं आएगा, अगर नेट में नहीं होता तो ले लेते हैं, ठीक है ना, समझ गए बात क्या नेट का मतलब। अब 1:36 तो बड़ा सिंपल सा सवाल बन गया था ये, और 2 क्या आ जाएगा हमारा, GP -2000 -2000 -1000 -23000 कितना आ रहा है GP, 1 लाख। हाँ अच्छा ये ज्यादा मैंने लिख दिया, ये गलत टोटल हो गया, 22000 प्लस 68000 90000 में से माइनस करेंगे 2000 2000 1000 और 23000 कितना आ रहा, 62000 62000, और ये बाय आ जाएगा बाय GP 62। अब आ जाते हैं पेटी कैश की बात करते हैं, सर पेटी कैश का क्या बात करेंगे, देखिए पेटी कैश हमारे पास स्टार्टिंग में था, ओपनिंग में हमारे पास पड़ा हुआ था, कितना था सर पेटी कैश स्टार्टिंग में, 500, और मुझे एचओ ने भी भेजा, कितना एचओ ने भेजा हमें, 2000, बोला ये ले 2000, तो मेरे पास टोटल कितने हो गए 2500, और मैं लास्ट में कह रहा हूं कि मेरे पास 100 बच गए हैं, तो इसका मतलब सर आपने 2400 रुपये क्या करें, 2400 आपने खर्च कर दिए, या तो ये आप अकाउंट बना के निकाल सकते हैं या नॉर्मली कर सकते हैं, तो 2400 जो आपने खर्च किया है वो यहाँ आएगा पेटी एक्सपेंस, समझ में आई बात आपको, 2400 रुपये यहाँ आएगा पेटी एक्सपेंस, क्लियर है किसका, हाँ डेटर उसमें एक बीच में आ गया था ना, ये कर देंगे, वैसे डेटर का तो कोई यूज ही नहीं है, फिर भी बनवाया तो बना लेते हैं, नेट प्रॉफिट निकाल ले 62000 62000 -2400 -24000 -2000 -2400 31200, चेक करिए कितने, और क्या छोड़ दिया, 2400 रुपये क्या छोड़ा, टोटलिंग में छोड़ दिया क्या मैंने, 2400 24000 2000 2400 और एक और 2400 है कुछ, क्या था क्या था क्या था, डिस्काउंट लिख लिया मैंने, डिस्काउंट रह गया ना, डिस्काउंट भी तो आएगा यहाँ, तो ये आ गया हमारा -2400 नेट प्रॉफिट, समझ में आया, कोई एक दो पॉइंट छूट गया कोई दिक्कत, ठीक है चलिए आगे आ जाते हैं, आगे सब तो हो ही गया, बस डेटर को ठीक करना है, 1,09,000 -93,000 -2400 -3,000 तो 10,600 बाय बैलेंस, तो ये था हमारा एक सवाल नंबर 10 जो कि काफी टाइम से बच्चे डिमांड भी कर रहे थे, तो उनको समझ में आ गया, सर अलाउंसेस डेटर अकाउंट में क्यों नहीं आया, अलाउंसेस डेटर में भी आता है अगर ऑलरेडी एडजस्ट नहीं होता, क्योंकि बोला हुआ है ऑलरेडी एडजस्ट है, तो मतलब यहां से तो माइनस कर ही चुके हो एक बार अलाउंसेस इस सेल्स में से, तो दोबारा दिखाओगे तो डबल माइनस हो जाएगा ना, क्योंकि कभी भी अकाउंट्स के अंदर एक साइड जब कोई रखते हैं और उसके अपोजिट साइड कुछ भी रखते हैं तो इसका मतलब ही होता है कि उसको माइनस किया जा रहा है, समझ रहे हो, तो अगर आपने यहां माइनस कर दिया तो अपोजिट नहीं रखना, अगर आप यहां 2000 अलाउंसेस को ऐड कर दो, कितना कर दो आप, 87 की जगह पे आप कर दो 89, फिर आप दिखा दो 2000, कोई फर्क नहीं पड़ता, समझे बात आप, सर डेप्रिसिएशन वाला चैप्टर सर, रिवेल्युएशन अकाउंट सर, हाँ बिल्कुल वो भी होगा, अभी पहले डिपार्टमेंटल, कल आज इसको खत्म करके कल लीज खत्म करेंगे या डिपार्टमेंटल खत्म करेंगे, दोनों में से एक, मैं मोस्ट प्रोबेबली कल लीज करवा दूं, क्लियर है ये,